आगे बढ़ते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव था ब्लॉक डिलारी स्थित ग्राम सुबालखेड़ा। 4200 की आबादी वाला यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर, तो वहीं ब्लॉक से ग्राम पंचायत की दूरी मात्र 7 किलोमीटर ही है। वर्तमान समय में खुर्शीद अहमद इस गांव के प्रधान हैं, जिन्होंने प्रधान होने की सारी जिम्मेदारी निभाई है। अभी तक उन्होंने अपने गाँव में बहुत ही विकास कार्य कराए हैं, जिससे ग्रामीण भी बेहद खुश नजर आए। इस ग्राम पंचायत में उन्होंने सड़कों का निर्माण करवाया है, साथ ही सीसी टाइल्स वाली सड़कों को भी बनवाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आए हुए आवासों को गरीबों में वितरित भी किया गया है। वहीं सरकारी हैंडपंपों की मरम्मत व सौर ऊर्जा का निर्माण भी प्रधान द्वारा गांव में कराया गया है। अगर बात करें प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों की, तो इसमें लगभग 120 से लेके 130 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते नजर आए, जो एक औसत दर्जे की शिक्षा व्यवस्था को दर्शाता हुआ है। साथ ही इस गाँव में कुल वोटर संख्या लगभग 1650 नजर आती है, तो वहीं विभिन्न तरीके के लाभों से लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों की संख्या भी बेहतर नजर आई। इस गांव में बिजली की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए प्रधान द्वारा 60 बिजली के पोल भी लगवाए गए हैं, साथ ही 7 बिजली के ट्रांसफार्मर भी गांव में लगवाए गए हैं। ग्राम प्रधान ने एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए कहा कि सरकार जल्द से जल्द ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र व बारात घर मुहैया करवाए, जिससे ग्रामवासियों को अधिक सुविधा हो सके। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत में एक पंचायत घर की भी आवश्यकता है। सरकार जल्द से जल्द फंड भेजे, जिससे वो इस फंड के द्वारा पंचायत घर को बनवा सके। ग्रामीणों ने कैमरे से बात करते हुए बताया कि गांव में पानी की निकासी की व्यवस्था बेहद ही खराब है, इसे दुरुस्त कराने के लिए प्रधान को फंड की आवश्यकता है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार प्रधान के पास जल्द से जल्द फंड भिजवाए, जिससे गाँव को विकास और अच्छे से किया जा सके। मैं गाँव संभाल खेड़े का प्रधान हूँ, और मुझे जो राजवित्त से और जो केंद्र सरकार से राज्य सरकार से मिला, मैंने उसका सदुपयोग करा है। और सीसी टेल्स और नाली और लैट्रीन और आवास जो मिला है वो सदुपयोग से खर्च करा है, और जो आ गए उन्हें केंद्र सरकार और राज्य सरकार देगी, उसमें हम सदुपयोग से काम करेंगे। और किसी भी आदमी के संग भेदभाव नहीं करा है, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे आवास हो, चाहे सीसी टेल्स हो, चाहे स्कूल का कार्य हो, सब शांतिपूर्वक कराए और हमारे गांव में सब ठीक ठाक चल रहा है। बाकी जितना धन आगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमें देंगी, उतना खर्च करते रहेंगे। वैसे केंद्र सरकार राज्य सरकार हमारे साथ में कुछ जो है कुछ पैसे की कमी चल रही है, अगर ये हमारी मदद करें तो सारे काम सही होते रहेंगे। मैं सुबालखेड़ा का ग्रामीण हूँ। जो पैसा आया है उससे शौचालय बनाए हैं और खरंजे टाइल्स लगवाई है, नाले बनवाए हैं, और काफ़ी कार्य किया है।